हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ, मेरी मम्मी कभी मुझसे कहती है ना कि बेटा कितने पराठे खाओगे, मैं कहता हूँ दो लारे दो लारे दो लारे। और इस तरह मेरी माँ 16 पराठे लाके मेरे सामने रख देती है। 16 क्यों? दो लारे दो लारे दो लारे दो लारे दो लारे दो लारे दो सोलह। माधुरी जी सॉरी, आप हमेशा सुपरस्टार्स के साथ काम करती हैं, हमारी माफी चाहते हैं, आज हमने आपके सामने अजीब सा आदमी बिठा दिया। एकदम सामने कहाँ बैठी है अर्चना जी, काफी साइड में बैठी है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। ओके ओके रिलैक्स रिलैक्स। वकील साहब बड़ी अजीब अजीब बातें करते हो आप। हाँ? आप रोज सुबह उठ के ना 5-6 भीगे हुए वो खाया करो। अच्छा बादाम चप्पले। ये चप्पलें मुझे खुद खानी है, कोई कोई खिलाने आएगा? नहीं नहीं, जैसी आपकी बात है कोई ना कोई खिला के जाएगा आपको। तो देखिए आपकी एक फिल्म आई थी सिर्फ तुम, मैंने फिल्म देखी, उसमें तो काफी लोग थे। सच में बहुत सारे लोग थे, कायदे से फिल्म का नाम होना चाहिए बहुत सारे सिर्फ तुम। वकील साहब आप ना सुबह उठ के रोज 5-6 उबले वो खाया करो। अच्छा चप्पलें हथौड़े। करने क्या आए आप इधर? मैं माधुरी जी का नंबर लेने आया हूँ, फोन नंबर। बाप रे, डॉक्टर साहब का नंबर चाहिए, वो इलाज कर देंगे आपका, चाहिए आपको? नहीं नहीं। इट्स ओके यार, मानव जी आप इतने बेहतरीन एक्टर तो हैं ही, फादी में आप लिखते भी हैं। That's very good यार, एक यार छोटा सा काम था, ये मेरे बेटे का होमवर्क है, लिख देंगे थोड़ा सा। अरे वो इतने अच्छे राइटर हैं, वो क्यों ये सब करेंगे? अच्छे राइटर है तो किसी खराब राइटर को बुला लो, पर मेरे बेटे का होमवर्क करवा दो यार, ये मुझसे नहीं होता है। वकील साहब आपको एक बात बताऊं? हाँ। इसमें स्ट्रॉ डाल के पिया करो, ये गर्मियों में ठंडा होता है। करने क्या है आप इधर? यार इंसान क्यों आता है भाई, जब बाप काम से एक दिन घर जल्दी आता है, माँ को फिल्म दिखाता है, माँ का दिल खुश हो जाता है, ऊपर वाला पानी बरसाता है, माहौल रोमांटिक हो जाता है, तब इंसान आता है। कहाँ से आया? कहाँ से आया? यहाँ किस काम से आए आप? मैं किस काम से आया हूँ? नहीं सवाल अच्छा है, मैं किस काम से आया हूँ? माधुरी जी मैंने देखा था साजन फिल्म में आपको शेर व शायरी का बड़ा शौक था, मैं वैसे अपने दिल से एक शेर आपके लिए अर्ज करना चाहता हूँ माधुरी जी। इरशाद अर्ज किया है, मोहब्बत करते हो डराते हो? मैं डरा नहीं रहा हूँ, पैशन है ना, मोहब्बत करते हो तो हक भी जताओ, डॉक्टर से तो सब इलाज करवा लेते हैं, हिम्मत है तो वकील से इलाज करवाओ। हाय हाय एवरीवन, हाय माधुरी जी, हाय, I'm your biggest fan. Thank you. मैं भी आपके तरह करोड़ों दिल का धड़कन बनना चाहती हूँ। नहीं ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, डायरेक्टली करोड़ों दिल की धड़कन नहीं बन सकते, इट्स अ प्रोसेस। इट्स अ प्रोसेस। पहले एक दिल की धड़कन बनो, फिर अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर। मेरी बात सुनो, तुम लोग हमेशा झुंड में क्यों आते हो दोनों? पहले तो एक झंडू लाल आ जाता है, उसके पीछे पीछे तुम भी आ जाती हो, सुंदर सी हट। मैं माधुरी मैम के लिए आई हूँ। मैम आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम यू, मैं आपसे बहुत सीखा। नहीं क्या सीखा, दिखाओ उधर डांस वांस कुछ बताओ मुझे, क्या सीखा? ऐसे नहीं मानेंगे हम। क्या बकवास बातें कर रहे, मजाक चल रहा है क्या? नहीं देखो यहाँ से तो काफी सालों से मजाक चल रहा है। oh
वो अलग बात है कि सारे मजाक के बीच में पिछले 8 महीने से तुम सिर्फ रैम वॉक कर रही हो। अब मजाक ना तुम्हारे साथ होगा। वैसे तुम अपने सोनी साहब है ना, उन्होंने कमाल का जोक तुम्हारे लिए लिखा है। क्या लिखा है? नहीं, वो चेक आएगा उस पे लिखा होगा, देखना तुम। आपसे बात करने ही बेकार है। लव यू। मानव जी, मैं आपका भी फैन हूँ। आप नेशनल लेवल का स्विमर हो ना? जी, मुझे स्विमर्स बहुत पसंद है। एक मिनट, तो मेरी भी फैन बनो। मैं भी नेशनल लेवल का डूबर हूँ। आप कितने भी पानी में तैर लेते हैं ना, मैं कितने भी पानी में डूब जाता हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा, दिन में 3 से 4 लोग कम से कम मुझसे कहते हैं चुल्लू पर पानी में डूब मरो। और मैं डूबता भी हूँ। Maybe they just like my wet look. I don't know. Maybe. Just ignore him, please. Just ignore him. Ah, so you just bore him. I will ignore you bore. Sanjay ji, मैं आपके लिए एक शायरी लिखा है। मैंने ये सुनाएंगे आपको ये जरूर। ये जो इनकी जो अम्मा है ना, मिर्जा गालिब की गाड़ियां धोया करती है। कमाल का शेरो शायरी करती हैं ये। सुनाइए। एक शायर। जब से तुमको देखा रात को नींद नहीं आती, शाम को 4 बजे जागती है ये लड़की। शाम को 4 बजे जागोगी, नींद कैसे आएगी रात को? ठीक है, सुनाओ। जब से तुमको देखा रात को नींद नहीं आती, मुझे नींद आ गई है। एक ही लाइन को 5 बार सुनाएगी तो नींद नहीं आएगी क्या? यार आगे बोलो ना, यार आगे बोलो, सुनाओ आगे। आगे तुम्हारी ऐसे की तैसी, मलाड के पेंगुइन। शाबाश, क्या बात है। अपने सारे बातें करके मुझे बात ही करने नहीं देती। तुमको छोड़ूंगी नहीं आज। एक मिनट, छोड़ने का सवाल तब पैदा होगा जब तुम मुझे पकड़ोगी। पकड़ के दिखाओ। ये देखिए, सारी लड़कियां मेरे पीछे पड़ी लगी हैं। मैं क्या करूं? संजय सर, मेरे को एक बात बताइए। जैसे माधुरी मैम के बारे में हमेशा कहा जाता है, कोई भी इनके साथ डांस करता है जब वो नर्वस हो जाता है। जैसे आपने भी आते कहा कि मैं तो याद कर रहा था स्टेप। तो जब आपको पहली बार आपको पता चला आपको माधुरी दीक्षित के साथ डांस करना है, तो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जब हम अखिया मेला कर रहे थे, नॉर्मली दोज डेज देयर यूज्ड टू बी 200 जूनियर आर्टिस्ट बिहाइंड, तो आंखें हर जगह जाती है। यहाँ मैं अकेले डांस कर रहा था इनके साथ, तो इट वॉज वेरी टफ। तो मैंने सरोज जी को कहा ये तो भाई प्रॉब्लम वाली बात है। तो आई सेड के 6:30 to 7:30 जो आप आज शूट करने वाले हो वो मैं सुबह सत्यम हॉल आऊंगा और रिहर्स करूंगा। अच्छा, देन आई विल गो होम, हैव अ शावर एंड गो ऑन सेट। तो पहले दिन आए तो इनको नहीं पता था कि मैं सुबह जाके रिहर्स कर रहा हूँ। अच्छा, तो सरोज जी ने स्टेप बताया, अहमद थे तो अखिया मिला दिया, इनके पहले मैंने कर लिया स्टेप। अच्छा, सोच रही ये लड़का इनको क्या पता कि मैं सुबह करके आया हूँ। मुझे ऐसे लग रहा था अरे इसको ऐसे दिखाते ही फटाफट कर देते हैं। हाँ। कमाल है, बहुत अच्छा टैलेंट है ये। अच्छा आज मुझे पता चल रहा है क्या हुआ, मुझे अब तक पता नहीं था। तीसरे दिन जब मैं कर रहा था तो सरोज जी ने बोला वो कुछ कभी होता है कि कुछ एंगल का प्रॉब्लम होता है, बोला कि वो आज वो नहीं करेंगे, कल वाला स्टेप आज करते हैं, तो मैं ब्लैंक हो गया। ये मत करो भाई, अपने को इतना ही आता है। अच्छा माधुरी मैम, आपके सामने तो सारे नर्वस हो जाते हैं, आप कभी किसी के सामने नर्वस हुई हैं आप? हाँ, मैंने जब प्रभु देवा के साथ गाना गया था केसरा, क्योंकि उनकी स्टाइल इतनी डिफरेंट है एंड ही इज सच अ गुड डांसर हिमसेल्फ। और जब बोनी जी ने मुझे बोला कि ये गाना है और प्रभु देवा इज गोइंग टू डू द कोरियोग्राफी,
मैंने ठीक है कोरियोग्राफी ओके आपके साथ डांस करने वाले तो मैं मेरे पैर हिल गए मैंने बोला अरे बाप रे वो मेरे साथ डांस करेंगे ना तो मैंने बोला बाप रे उनकी स्टाइल बहुत ही मतलब वो सब है तो मैंने बोला आई डोंट नो आई एम स्केर्ड बोले नहीं नहीं फिर मेरी मुलाकात हुई उनसे तो प्रभुदेवा जी बोले अरे डोंट वरी मैडम बहुत सॉफ्ट बहुत ऐसे धीरे से बात करते ना वो एक साल में एक आध बारी बोलते हैं नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम मैडम एक साल में एक आध बारी बोलते हैं वन शॉट स्मॉल स्मॉल शॉट एवरीथिंग स्मॉल स्मॉल मैंने बोला ठीक है स्मॉल स्मॉल लेंगे शॉट्स तो थोड़ा सा मैंने रिहर्सल किया पहले उनकी स्टाइल सीखने के लिए कि कैसे होता है तो जिस दिन शूटिंग शुरू हुई आए बोले ओके मैडम आई शो यू व्हाट यू टू डू के सेरा 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 जो भी हो सो हमें प्यार सर 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 छोटा छोटा सर मैडम वन शॉट वन शॉट वन ही शॉट है पूरा एक शॉट में करना है मैंने बोला अच्छा ओके आई विल ट्राई बोले हाँ एंड इन द एंड ना वो ऐसे ऐसे विंक दे देना मुझे साथ में अच्छा मतलब सब करना है उसके साथ विंक भी करना है एक्चुअली सही बोल रही हूँ उनका स्टाइल मतलब पता नहीं बात करते करते खारिश कमल में स्टेप बना देते वो उर्वशी उर्वशी और बड़ा मजा आया था मैम आपका वो गाना देख के चंद्रमुखी चंद्रमुखी देखो देव बाबू आए हैं ओह माय गॉड ओए होए जॉन्डिस वाला शाहरुख खान दर्शकों आज एपिसोड हम बाद में समाप्त करेंगे पहले एक बंदे को समाप्त करना है आपके पास कोई चाकू छुरी पिस्तौल वगैरह हो ओए तू जा हमसे नहीं हो रहा बर्दाश्त मुझे उसका नंबर दे जिसने तुझे धोती और कुर्ता दिया है उसका नंबर दे मेरे को खुद ही एक बंदा कोट पैंट पहन कर उधर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आई एम नॉट डन येट कर सकता है हाँ मैं तो धोती पहन के एंट्री नहीं कर सकते वैसे भी ये धोते मेरी माँ है अबे धरती मेरी माँ है ये डायलॉग है मैं डायलॉग नहीं बोल रहा हूँ भाई मैं कह रहा हूँ जब ये गंदी हो जाती धोती मेरी माँ है खैर जब अब रिवील हो ही गया है कि मैं शाहरुख नहीं हूँ अच्छा तेरे को मतलब जैसे वो तो सब उठने ही लगे थे ऑटोग्राफ लेने कि शाहरुख खान आ गया तो मैं गेस्ट से बात कर लूं कि पूछा हाँ प्लीज ऐसे माधुरी जी आप सच बताइए जी मुझ में और शाहरुख सर में 19-20 का फर्क था ना ये कैसे कंपैरिजन करता है रचना जी शाहरुख खान का जन्मदिन होता है ना हजारों लोग उनके घर के बाहर खड़े रहते हैं ये अपने जन्मदिन पे खुद भंडारे की लाइन में खड़ा रहता है तो फर्क तो है ही यार प्लीज मुझे गेस्ट से बात करने दो मानव सर ये ऐसे बातें कर रहा है एक्चुअली कॉलेज में तो मैं फेमस बड़ा था मुझ पर लड़कियां मरती थी माधुरी मैम हाँ कॉलेज में दो ही तो चीजें फेमस थी एक मैं दूसरा इसका आम पापड़ जो बेचता था मैं आम पापड़ बेचता तुम उधर खास पापड़ बेचते थे तू करने क्या इधर यार मैं इधर आज जो टीवी पे लोग हमें देखते हैं 150 करोड़ लोगों को एंटरटेन करने के लिए आया हूँ इसी बात पे एंटरटेनमेंट का स्पेलिंग हो जाए मैं वैसे ही वॉक करने के लिए आया हूँ यार वॉक के स्पेलिंग हो जाए यार प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो मैं माधुरी मैम का थैंक्स करने के लिए आया हूँ क्यों मेरी ना एक्चुअली हार्ट बीट स्लो चल रही थी पीछे अच्छा, जैसे अच्छा। मैंने मैम को देखा मेरा दिल धक धक करने लगा है चंद्रमुखी फिर शुरू हो गया इतना सिकुड़ा सा शाहरुख खान ऐसे लगता किसी ने धो के डाला धूप में फिशरिंग हो गया फिर कसम से जिस भी तू भगवान को मानता है उसकी कसम खा के बता तूने आज तक लाइफ में किया कुछ क्यों नहीं किया मैंने मैम मेरा 150 लोगों का फ्रेंड सर्कल था बचपन में लेकिन मैंने सिर्फ इसको तवज्जो दी अच्छा। क्योंकि मुझे पता था इसी आदमी ने बढ़ाकर बड़ा आदमी बनना है मैंने तो संजय सर कहावतें चेंज कर देनी है मैंने नई कहावत बनानी है हर कामयाब आदमी के पीछे एक जरूरतमंद दोस्त का हाथ होता है मानव सर जैसे अभी मुझे पता चला कि आप राइटिंग भी करते हैं मैं भी कभी कभी लिख लेता हूँ हाँ जैसे गाड़ियां नहीं रुकती सिग्नल पे तो वो पड़ी रहती है ना डस्ट पड़ी रहती है तो उंगली से लिख देता है बचा हुआ खाना देने के लिए संपर्क करें और नंबर दे के आता है अपना यार तुम तो ऐसे गुस्सा करो जैसे मैं फ्रेश खाना मांगता हूँ
आपको पता है, इसको इसी बात पे बड़ा फख्र है, इनके परदादा जी बेचारे चल बसे फूड पॉइजनिंग से, इन्होंने पार्टी दे दी, कहता देखो हम भूखे नंगे नहीं है, खा पी के मरा मेरा परदादा। जा यार, ये सब मनगढ़ंत कहानियां। तेरे मुंह से कोई अच्छी बात निकलती नहीं, इससे गरारे कर पहले तो। सैनिटाइजर से। सर ये ऐसे मनगढ़ंत कहानियां कर रहा है तो सर एक्चुअली आई बिलोंग टू वेरी वेल टू डू फैमिली। वेल टू डू, मैं आपको बताता हूँ, जब ये पैदा हुआ ना, ओ जा यार, ओ सुन तो बात, और छोटी छोटी बात में तू मेरे को पैदा करना शुरू कर देता है। नहीं माधुरी जी बुला रही है, जाके पैदा, कभी इधर जाकर, कभी कोई आता है सर मेरे को पैदा करना शुरू कर देता, जब ये पैदा हुआ तब ये हुआ। अच्छा बात, माधुरी जी बुला रही, सुन तो सही, माधुरी मैम बुला रही है। जब ये पैदा हुआ ना, आपको पता, सुनो मेरी बात, जब ये पैदा हुआ पूरे मोहल्ले ने लड्डू बांटे, देखा जोरदार तालियां, लड्डू बांटे थे मेरे पैदा होने में, पूरे मोहल्ले ने लड्डू बांटे, कहते शुक्र है ये हमारे घर नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ था, लड्डू इसलिए बांटे थे, होनहार बच्चा हमारे मोहल्ले में पैदा हुआ है। अच्छा। यार देखो तुम हर एपिसोड में मुझे पैदा करना जरूरी होता है। ये पैदा हुआ ना नरसाई बाहर, ओ जाओ भाई, नहीं नरसाई थी, अब मेरे को दाई ने पैदा किया, मेरे को दाई ने पैदा किया, नर्स ने पैदा नहीं किया, नर्स बाहर आई, और नहीं आई, नहीं आई, वो अंदर ही नहीं थी, नर्स बाहर आई, नहीं आई अंदर, इसके पिताजी नहीं आई अंदर, इसके पिताजी कहते क्या हुआ, पिताजी ने कहा इसके, मेरे पिताजी छुट्टी पे गए हुए थे। नहीं नहीं है नहीं थे मेरे पिताजी, उधर नहीं थे, बधाई मांगने वाले आते ना, नहीं नहीं वो भी नहीं आए, नहीं आए। अरे कोई और बात कर लेना थे। हाँ। तो ये जो दा फेम गेम आ रही है। हाँ। नर्स जब बाहर आई ना नर्स, इसके पिताजी कहते क्या हुआ, कहती गोली मारो पहले मेरे हाथ धुलवाओ। यार तुझे बड़ा शौक चढ़ रहा ना देवदास बनने का। हाँ तो अब जब मैं बने गया तो मेरा एक छोटा सा डांस ही करवा दो मानव जी के साथ। मानव जी के साथ? माधुरी जी मेरी रेंज में नहीं है। तुझे क्या लगा मानव तेरी रेंज में? हाँ तो एक मानव दूसरे मानव की बात नहीं समझ सकता। मैं बड़ो चुन्नी बाबू, 20 रुपए का चुन्नी, 10 रुपए का चुन्नी, 50 रुपए का चुन्नी, बोलो बोलो, मेरा बच्चा है तो अर्चो, मेरा बच्चा है तो, मेरा बच्चा है तो, किसका नालायक बच्चा है तो। हाँ ये शाहरुख खान बने। हाँ तेरी 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 हिम्मत कैसे हुई देव बाबू बनने के, इधर आके मरो, उधर लाइटिंग नहीं, इधर आओ। इतने सालों से शो कर रहे हैं, पता ही नहीं इनको कहाँ कहाँ है कैमरा। इधर आओ चुन्नी बाबू, भूल गए कि हम दोनों फिल्म में दोस्त थे, भूल गए। अबे तेरे बचपन का दोस्त तेरे को दोस्त नहीं मानता है, मायकाय का दोस्त, छोड़ दे ये सब, छोड़ दे। तुम कहते हो ये छोड़ दे, बाबूजी कहते हैं घर छोड़ दो। इसको तो पूरा मोहल्ला बोलता है घर छोड़ दो, पता है काहे को, क्योंकि ऑटो चलाता है ना। अबे देखो मैं तो माधुरी जी के साथ डांस करूंगा। नहीं मैं माधुरी जी के साथ नाचूंगा। अरे एक मिनट, यहाँ पर माधुरी जी के साथ डांस करने की बात किसने की? अरे माय गॉड क्या बात है, मैंने की। अरे कपिल क्यूट है, आपके शो पे दूसरे ग्रह से भी लोग आते हैं, वाह वाह। क्या बात है बड़ो, दूसरे ग्रह से। ये कर क्या रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ बिड़ो, मेरा बच्चा है तो, मेरा बच्चा है तो, वाह वाह क्या बात है, वेरी गुड। ये इतना बड़ा गमला, इसमें भी झाड़ लगाओ ना, लगाओ अंकल। तो मुझे पहले ये बताओ कि यहाँ पे माधुरी जी के साथ डांस करने की बात किसने की? मैंने की है। अब देखो मैं ना अपना ये काम जो है ना इसे छोड़ के मैं सोनी ज्वाइन करूंगा। अच्छा। और फिर जब मैं MD लेवल पे पहुंच जाऊंगा ना, सबसे पहले मैं तुझे नौकरी से निकलवाऊंगा। माधुरी जी के साथ डांस करोगा तू?
पहले अपने अंदर से ये खाना निकालो, दो मुल्कों का खाना इकट्ठा करके बैठे हो। एक बार जोरदार तालियां द फेम गेम की पूरी स्टार कास्ट के लिए। आइए सर। माधुरी मैम जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मानव सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू संजय सर, थैंक यू लक्ष्मी। आप तो इतना बातू नहीं हो ना। मुस्कान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां हमारी इस पूरी स्टार कास्ट के लिए। आई होप आप लोगों को मजा आया मैम। जी हाँ बिल्कुल, बहुत सुपर। आते आते रहा करो आप। थैंक यू, थैंक यू सुपर। यू गाइस आर अमेजिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और दोस्तों आप सबसे अनुरोध है कि बाजारों में भीड़ करने से बचें, मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। गुड नाइट, शुभ रात्रि। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।